केंद्र सरकार के 3 कृषि विधेयकों को लेकर सक्करदरा चौक में तीव्र आंदोलन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। पुलिस का भी तगड़ा बंदोबस्त दिखाई दिया। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे इनकी ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार के 3 कृषि विधेयकों को लेकर पूरे भारतवर्ष में आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी आंदोलन को लगभग सभी दल और पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि विधेयक काफी गलत तरीके से बनाए गए हैं, जिससे देश का किसान काफी आहत है। देश का किसान केंद्र सरकार की गलत नीतियों का शिकार हुए है। किसान तिल तिल मर रहा है। ऐसे में किसानों को समर्थन देने के लिए उपराजधानी में अलग अलग जगहों पर कई पार्टियों द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नागपुर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से सक्करदरा चौक में केंद्र सरकार के खिलाफ और किसानों के समर्थन में आंदोलन किया गया। इस मौके पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त दिखाई दिया। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे इनकी ये रिपोर्ट सक्करदरा चौक से। किसानों का आंदोलन जिंदाबाद में। दर्शकों, इस तरह के नारे पूरे भारतवर्ष में लग चुके हैं। हम आपको बता दें कि केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से जो नए जो 3 कानून कृषि कानून जो बनाए गए हैं उसका विरोध करते हुए पूरे देश भर में ये आंदोलन छेड़ा जा रहा है। इस समय में देश की राजधानी दिल्ली में भी बहुत बड़े पैमाने पर हजारों की तादाद में किसान आए हुए, कई ट्रेड यूनियन आए हुए हैं, कई ट्रांसपोर्टर आए हुए हैं और सब ने मिलकर आज भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के गलत नीतियों का विरोध किया है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि इस समय में हम नागपुर के सक्करदरा के उस उड़ान पुल के नीचे में खड़े हैं, जहां पर ये तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग जिनका इस आंदोलन को समर्थन है और नागपुर में भी समर्थन करते हुए और नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए सीधा उन्हीं के पास रुक करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे। ये बताएं कि जिस तरह से आज ये आंदोलन किया जा रहा है, क्या कारण है? आज ये सारा देशव्यापी आंदोलन देश में हो रहा है। आज किसानों के प्रति जो केंद्र सरकार जिस तरीके का नीति अपना रही है, वो किसानों को पूरी तरीके से खत्म कर देंगी। देश के किसान इन सारे जो अधिनियम आज पारित हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, वो सारे किसानों को, खेती वालों को खत्म कर देंगी। इसी के विरोध में आज राष्ट्रवादी नागपुर शहर कांग्रेस, हमारे अध्यक्ष साहब अनिल जी अहिरकर इनके नेतृत्व में आज ये आंदोलन सक्करदरा नागपुर में आज लिया जा रहा है। इसमें हम पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं केंद्र सरकार का, भाजपा सरकार का, उनके नीतियों के खिलाफ ये जन आंदोलन और भी दिन ब दिन तीव्र होता जाएगा। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीकांत शिवनकर है। आप हैं श्रीकांत शिवनकर, जिन्होंने बखूबी विवेक के साथ बात करते हुए यह आंदोलन किस तरह से कामकाज करेगा इसके बारे में जानकारी दी। इस समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर के नेता अनिल अहिरकर हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। अनिल जी, ये बताइए कि जिस तरह से किसानों का ये जो कामकाज हो रहा है, मोदी सरकार ने तो जबकि किसानों के लिए अच्छे कानून विधेयक पास किए हैं, आपका विरोध क्यों है? आपका मैं विरोध को इसलिए करता हूँ कि अच्छे विधेयक पास किए ऐसा आपका कहना ये सरासर गलत है। किसानों के खिलाफ में ये मोदी सरकार है। हमारा कहना है कि MSP किसानों को मिनिमम जो उसको जो मेहनत करके जो उसका रेट निकालना चाहिए वो रेट मिलना ही चाहिए। उससे कम रेट अगर कोई ओपन मार्केट में अगर कोई व्यापारी, बड़ा व्यापारी उसको खरीदना चाहता है तो उसको पाबंदी होनी चाहिए। ये बहुत ही जायज़ डिमांड है, इसके तरफ सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये अगर इस प्रकार से अगर ओपन करते चले जाएंगे हर चीज़, तो बड़े उद्योगपति के हाथ में सारी चीज़ें चले जाएंगी और हमारा किसान जो है आज तक जो अन्नदाता हमारा जो है भूखा मर रहा बेचारा, उसको और जमीन में डालने की ये सरकार कोशिश कर रही है। हमने टोटल विरोध नहीं किया, हमारा कहना है कि उसके अंदर में सुधार चाहिए। अगर आप किसानों के खिलाफ में कुछ कायदे बनाते हो तो उनके लोगों को, किसानों के साथ में जो काम करते हैं उनके संगठनों को मिला के क्यों बात नहीं करते, क्यों डेमोक्रेसी नहीं चलाते, क्यों वन अकेले सरकार विधायक पास कर लेती है और जाहिर करती थोप देती है जनता पर, इसका विरोध पूरे देश के अंदर में हो रहा है और ये बर्दाश्त होने वाली चीज नहीं है। अगर हमारे अन्नदाता के खिलाफ ये सरकार जाना चाहती है, ये सरकार को उखाड़ के जनता बेकेंगी। जय राष्ट्रवादी। तो आप देख सकते हैं अनिल अहिरकर, इन्होंने बात करते हुए ये बताया था कि ये जो
केंद्र सरकार की जो गलत नीति है इसका खामियाजा आज दिन किसान भुगत रहे हैं। और कुछ भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यकर्ताओं से हमने बात किया तो उन्होंने ये कहा था कि मोदी सरकार ने ये अच्छा विधेयक बनाया है, ये हम राष्ट्रवादी कांग्रेस को हम मीडिया नहीं कहना चाहते कि ये विधेयक कैसे बनाए, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। वो बात मैंने इनसे की, इन्होंने उसका खंडन किया और ये बताया उन्होंने कि देश को आजाद हुए 73 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मगर जिस प्रकार से देश का किसान तिल तिल मर रहा है और उनके कोई काम कोई आ नहीं रहा है, ऐसे में अगर वो फसल नहीं उगाएगा तो लोग अपने पेट कैसे भरेंगे, एक सवाल बड़ा पैदा हुआ है। ऐसे में ये जो कारोबार है ये कहीं ना कहीं कुछ चंद व्यापारियों के तरफ जाने की बात अनिल अहिरकर इन्होंने कहा है और इसी बात को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन जारी है। अब देखना ये होगा क्या केंद्र सरकार जो 3 नए कानून जो पारित किए हैं उसको वो कैंसिल कर पाते हैं, या लोकसभा में और भी उसके ऊपर भी कुछ अमेंडमेंट हो सकता है क्या, या कुछ नया प्रावधान होगा क्या, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि देश का किसान आज लोकतंत्र में भी आजाद नहीं है, यही एक दुर्भाग्य की बात है, ऐसा पूरा शहर पूरा देश कहता है। सकरदरा चौक से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मिरे, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।